महिलाओं पर होने वाले हिंसाचार और अत्याचार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करते हुए बुधवार को रूबी सोशल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम महिला मंच और लर्न के सहयोग के विरोध में रैली निकाली गई है। रैली की शुरुआत शाम 4 बजे छोटा ताजबाग से हुई, जो जूनी शुक्रवार सक्करदरा चौक पर समाप्त हुई। यौन हिंसाओं के विरोध में जो रैली निकाली गई उसमें बड़ी मात्रा में महिलाएं मौजूद थी। इस दौरान महिलाओं ने नारेबाजी कर अपनी आवाज बुलंद की, साथ ही महिलाओं के हाथों में पुरुष प्रधान समाज, जाति आधारित हिंसा एवं बलात्कार मुक्त समाज के लिए आगे बढ़ो ऐसा संदेश देने वाले बैनर्स भी दिखाई दिए हैं। वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम महिला मंच, लर्न, नागरिक मंच और ऐसे बाकी सारे संगठन मिलकर हम लोगों ने आज ये रैली निकाली है। इस रैली को निकालने के हमारा यही एक उद्देश्य था, जो महिलाओं के साथ होने वाली जो यौनिक हिंसा है देश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो इस घटना को हम किस रूप से देखते हैं कि इसे कहीं ना कहीं रोका जाए। ऐसा नहीं कि बलात्कार यानी यौनिक हिंसा पहले हमारे देश में नहीं हो रही थी, पहले से भी होती आ रही है, पर इसको कभी ना कभी तो समाप्त होना चाहिए। और हमने देखा कि सरकार कानून ने संविधान में निर्भया के यौनिक हिंसा के बाद में कहीं इसे रोकने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई, लेकिन निर्भया के बाद भी ये घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब इस घटना का रूप इतना क्रूर हो गया है कि अब सीधा यहाँ महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ यौन हिंसा होने के बाद में उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उसे हत्या कर दी जाती है। हम पिछले ही उत्तर प्रदेश का एक केस देख रहे हैं, हाथरस का केस, जिसमें मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ और उसके बाद उसे जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, उसको शारीरिक रूप से कई जगह जख्म दिए गए कि वो जिंदा नहीं बची, आज हमारे बीच में नहीं है। और ऐसी कई महिलाएं इस यौनिक पीड़ा से गुजरती जा रही है। तो हम ये आप लोगों से भी हमारा ये सवाल है कि इस यौनिक हिंसा को हम कैसे समाप्त करें, क्या समाज में एक सोच विचार बदलने का एक आगे हमने पहल कदम रखना चाहिए, क्या जो पुरुष प्रधान समाज है क्या उसकी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से समाज में यौनिक हिंसा को बढ़ते हुए प्रकरण को रोक सके। इसी दृष्टिकोण से आज हम सब ने इस रैली का आह्वान किया है। सर, हमारी संस्था रूबी सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिछले 20 सालों से महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य कर रही है। हमने महिलाओं के साथ जब काम करने की शुरुआत की, तब हमने काउंसलिंग सेंटर, जहां उनके फैमिली डिस्प्यूट्स, पारिवारिक सवाल थे, उनके साथ हमने काम किया। काम करते करते हमें ये महसूस हुआ कि महिला सशक्त नहीं है, तो इनके सशक्तिकरण के लिए हमने हमारे जो प्रीमाइसेस एरिया जो आता है हमारा बड़ा ताजबाग, हमने वहाँ महिलाओं को एजुकेशन से शुरुआत की। हम उन्हें 10वीं की क्लास का ड्रॉप आउट जो बोलते हैं उसे एजुकेशन देते हैं, 17 नंबर का फॉर्म भर के उनकी पढ़ाई करवाते हैं। साथ ही साथ हम उनको और भी दूसरे इंस्टीट्यूट में इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, सिलाई क्लास है। और अभी हम लोग महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके साथ रोजगार पे भी काम करने की शुरुआत कर रहे हैं।